हमारे इस वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉर्क और हॉर्स पावर के बारे में। तो हॉर्स पावर और टॉर्क बेसिकली ये दोनों शब्द जो हैं बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं जब हम गाड़ी को चूज कर रहे होते हैं कि हमें कौन सी गाड़ी चाहिए और उसमें कितनी हॉर्स पावर है और उसमें कितना टॉर्क है। कई लोगों को टॉर्क से मतलब होता है, कई लोगों को हॉर्स पावर से मतलब होता है, लेकिन इनका असल मतलब क्या है और किस तरीके से हम सरलता से इसे समझ सकते हैं। तो उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर हम बात करें हॉर्स पावर को समझने के लिए और टॉर्क को समझने के लिए, तो आजकल जैसे टीवी पे महाभारत चल रही है तो उसमें आप देखेंगे कि अर्जुन जो है, अर्जुन के रथ में आगे जो है कम से कम 7-8 घोड़े लगे हुए हैं। तो एक विचार आप ये भी कर सकते हैं कि यार अर्जुन ने जो है घोड़ों को ही क्यों लगाया रथ के आगे, या रथ के आगे घोड़े ही क्यों लगाए जाते हैं, हाथी क्यों नहीं लगाए जाते, क्यों हाथी का इस्तेमाल रथ में नहीं किया जाता। क्योंकि रथ को चलाने के लिए उस जो गाड़ी है, जो दो पहिए वाला जो रथ है, उसको चलाने के लिए हमें तेजी चाहिए, उस मैदान में उसको घुमाने के लिए तेजी चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम कहीं भी एकदम से स्पीड में कहीं पे भी पहुंच जाए। लेकिन अगर हाथी वहां लगा दिया रथ के आगे, तो वो जो हमारा रथ है वो एकदम से कहीं पे भी नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर हाथी लगा हुआ है तो हाथी जो है भारी से भारी सामान को खींच सकता है जो घोड़े नहीं खींच सकते। लेकिन जिस स्पीड में घोड़े लेकर के जाएंगे रथ को मैदान में, उस स्पीड से कभी भी हाथी नहीं ले जा सकता रथ को मैदान में। ठीक, तो यही अंतर है हमारे इंजन्स में। कुछ इंजन्स बनाए जाते हैं लोड खींचने के लिए और कुछ इंजन बनाए जाते हैं तेज चलने के लिए। ठीक, तो हमेशा जो डिफरेंस है वो बिल्कुल प्योर होता है। अगर गाड़ी जो है भारी सामान खींचने के लिए बनाई जा रही है, तो उसका इंजन उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि टॉर्क उसका ज्यादा हो। तो टॉर्क यहाँ पे क्या हो गया, खींचने की ताकत। मोटी मोटी अगर भाषा में आप उसे समझें तो खींचने की ताकत को टॉर्क कहते हैं। और अगर कोई गाड़ी जो फास्ट चलनी है, जैसे पैसेंजर कार है, तो उसको फास्ट चलना है, तो उसमें क्या ज्यादा रखेंगे, हमेशा हॉर्स पावर। एक और उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। दो लोग हैं, एक है बॉडी बिल्डर जिसकी बहुत हैवी बॉडी है, और एक है हमारे पास एथलीट जिसकी बहुत ही पतली बॉडी है और जो तेज भागता है। ठीक, अब हमने दोनों को मैदान में खड़ा किया और कहा कि 1 किलोमीटर का चक्कर लगा के आओ। तो दोनों ही जब चक्कर लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि एथलीट पतला है, तेज भागेगा, जल्दी से चक्कर लगा करके वापस आ जाएगा, और उसके थोड़ी देर बाद जो है बॉडी बिल्डर आएगा। लेकिन अब दूसरी बारी में मैंने क्या किया, दोनों को 10-10 किलो का बैग थमा दिया और कहा कि अब चक्कर लगा के आओ। तो बॉडी बिल्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी बॉडी, उसको 10 किलो महसूस ही नहीं होगा, एक तरीके से बहुत हल्का सा महसूस होगा। लेकिन वहीं आपका जो एथलीट है उसकी बॉडी बड़ी हल्की है, तो वो जैसे 10 किलो हम उस पर टांगेंगे तो वो एकदम से भारी वजन आ जाएगा। इस बार जब चक्कर लगाएंगे तो बॉडी बिल्डर को क्योंकि वजन महसूस नहीं होगा, तो आराम से उसी स्पीड से आ जाएगा जिस स्पीड से वो पहले गया था, और इस बार वो पहले आएगा और एथलीट जो है, जो पतली बॉडी वाला लड़का है, वो पीछे रह जाएगा क्योंकि उस पर वजन ज्यादा आ गया। तो अगर मैं कहूं कि आपका जो टाटा का ट्रक है वो 25 टन लोड उठा लेता है, 25,000 किलो उठा लेता है, तो हॉर्स पावर किसकी ज्यादा है, स्विफ्ट की ज्यादा है। ठीक, एक एग्जांपल लेते हैं कि टाटा का एक कोई ट्रक है और एक कार है छोटी, तो छोटी कार का जो हॉर्स पावर है वो ज्यादा है, उसकी स्पीड ज्यादा है, एकदम से तेजी में आने की जो उसकी क्षमता है वो ज्यादा है। ठीक, तो वो उसमें ज्यादा, लेकिन जब हम उस छोटी गाड़ी के ऊपर 25,000 किलो 25 टन लादेंगे तो वो जरा सी भी आगे खिसकेगी भी नहीं। और वहीं जो हमारा ट्रक है उसको आप खाली चला दो या 25 टन भर के चला दो, वो चलता ही चला जाएगा। तो ये अंतर होता है हॉर्स पावर और आपके टॉर्क में। ठीक, तो ये तो एक मोटा माटी जो कहते हैं कि डिफरेंस है वो क्या है, ये समझाने के लिए मोटा। अब अगर इसे हमें डीप में समझना है और इंजन के हिसाब से, इंजन के अंदर घुस के कि टॉर्क कहाँ से आता है, पावर कहाँ से आती है और किस तरीके से
डिफरेंशिएट होता है, क्योंकि एक गाड़ी के अंदर टॉर्क और हॉर्स पावर दोनों ही होता है। इंजन का जो टॉर्क है और उसकी हॉर्स पावर कितनी है, वो दोनों ही होता है। तो कितने आरपीएम तक टॉर्क ज्यादा रहता है और कितने आरपीएम के बाद हमारा हॉर्स पावर ज्यादा आ जाता है, तो ये एक इंजन के अगर अंदर हमें देखना है तो इसे हम देखते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए, ठीक है, और कुछ पिक्चर्स के जरिए, तो आपको बेहतर क्लैरिटी मिलेगी। चलिए देखते हैं।